यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आए उसका अपडेट आपको मिल जाए। और साथ साथ वीडियो को यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। चलिए आज हम बात करते हैं भूगोल के सेकेंड चैप्टर पे। हमने फर्स्ट चैप्टर पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पहले वाली जो वीडियो है उसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। दोनों वीडियो में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप वो देख लीजिए। उसके बाद आज हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है और चैप्टर का जो नाम है वो है प्रवास। अब प्रवास का मतलब समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो इस स्थान पर रहता है, यहाँ पर वो निवास कर रहा है, लेकिन वो यहाँ से कोई दूसरा स्थान है यहाँ पर चला जाता है। ये उसका जन्म स्थान है या वो यहाँ पर रह रहा है लेकिन वो किसी भी दूसरे स्थान पर चला जाता है तो ये कहलाएगा प्रवास। उसका कारण कोई भी हो, किसी भी कारण से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया है लेकिन जो उसका जाना है वो प्रवास कहलाता है। अब बात करते हैं कि प्रकार की प्रवास दो प्रकार का होता है, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास में आपने देखा होगा कि पहले ही आया हुआ है, मतलब आना, वो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और दूसरा है उत्प्रवास। उत्प्रवास मतलब वो एक स्थान से उसको धकेल रहा है। तो ये दो प्रकार इसके बताए हैं। कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति ना होना, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य की सेवाओं का अभाव। और उसके बाद जो प्रवास होता है उसके क्या रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं कि एक जगह की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, एक जगह की कम हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में ये एक राम बाबू नाम के पात्र हैं, यहाँ पर उनकी स्टोरी दी गई है। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि कैसे उस स्टोरी के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि कैसे उसने, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ पर उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और लास्ट में कहाँ पर जाकर उन्होंने जॉब की। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में एक अभियंता, अभियंता होते हैं इंजीनियर, के रूप में कार्य कर रहे राम बाबू है। यहाँ पर राम बाबू का मैंने पहले ही बताया कि राम बाबू की कहानी चल रही है। जन्म बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ, उनका जन्म हुआ है बिहार में। 12 वर्ष की आरंभिक आयु में माध्यमिक स्तर का अध्ययन पूरा करने के लिए वह निकटवर्ती कस्बे आरा में चले गए। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि 12 वर्ष की एज में, ये जो हमारी एज होती है इसमें आठवीं से आठवीं के आसपास की क्लासेस कंप्लीट की जाती हैं। तो माध्यमिक स्तर वही होता है कि वो अध्ययन कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए वो आरा में गई। वह अपनी अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए झारखंड में चले गए। उसके बाद वो झारखंड में गए और बाद में भिलाई में उन्हें नौकरी मिल गई। तो देखो, जन्म बिहार में हुआ, उसके बाद माध्यमिक स्तर की एजुकेशन उन्होंने आरा में कंप्लीट की, उसके बाद जो इंजीनियरिंग की डिग्री है उसको पूरा करने के लिए वो झारखंड गए और उसके बाद छत्तीसगढ़ के भिलाई में उन्हें जॉब मिल गई। तो यहाँ पर उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे कैसे प्रवास किया है, ये किस कारण हुआ है, ये उनकी जरूरत के कारण हुआ है कि उनको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, कहीं अपनी डिग्री कंप्लीट करनी थी, जिसके कारण वो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। जहाँ वह पिछले 31 वर्षों से रह रहे हैं, जॉब मिलने के बाद वो पिछले 31 सालों से यहीं भिलाई में ही निवास कर रहे हैं। अब जो राम बाबू के माता पिता थे वो अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी आजीविका, आजीविका मतलब जो कमाई का साधन था, वो एकमात्र कृषि से होने वाली अल्प आय थी, थोड़ी सी आय थी। उन्होंने अपना सारा जीवन उस गांव में गुजार दिया। उसके माता पिता कहीं नहीं गए, वो खेती करके अपने परिवार का काम चला रहे थे। थोड़ी सी कमाई होती थी जिससे वो गुजारा कर लेते थे और अपने जीवन में वो कहीं पर भी नहीं गए। उन्होंने सारा जीवन अपना वही गांव में ही निकाल दिया। अब देखने की राम बाबू के 3 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई में प्राप्त की। सबने आठवीं के लेवल की जो कक्षाएं होती हैं वो यही भिलाई में ही प्राप्त की हैं। उसके बाद उच्चतर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए 10th से 12th या फिर कॉलेज की एजुकेशन के लिए वो भिन्न भिन्न स्थानों पर गए। पहला बच्चा उनका इलाहाबाद और मुंबई में पढ़ा है और वर्तमान में दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहा है, साइंटिस्ट के रूप में वो काम कर रहा है। दूसरी उनकी लड़की है जो हायर एजुकेशन के लिए भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों, अलग बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और वर्तमान में
आज के टाइम में वो यूएसए में काम कर रही हैं। उनकी जो तीसरी बेटी है उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर शादी के बाद सूरत में बस गई। उनको तीन बच्चे हैं, पहला बड़ा बच्चा उनका लड़का है जिसने इलाहाबाद और मुंबई से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, दिल्ली में वो साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे। दूसरी बेटी है उसने भी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आज वो यूएसए में जॉब कर रही है। और तीसरी बेटी है जिसने अपनी शादी के बाद सूरत में सेटल हो गई है। तो यह कहानी केवल राम बाबू और उसके बच्चों की नहीं है। इसमें कहने का मतलब है कि ये कहानी एक जो इसमें बताया गया पात्र राम बाबू सिर्फ उसकी नहीं है, ये आजकल सभी लोगों की ये कहानी बनी हुई है कि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है और वही प्रवास कहलाता है। ऐसे गमनागमन अधिक से अधिक वैश्विक प्रवृत्ति वाले बनते जा रहे हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहरों और छोटे शहरों से बड़े शहरों और एक देश से दूसरे देशों में जा रहे हैं। और पश्चिमी यूरोप के देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रवास करते रहे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ भारत में ही लोग नहीं आए हैं, भारत से भी लोग दूसरे देशों की तरफ गए हैं। तो भारत से जो लोग दूसरे देशों की तरफ गए हैं वो उनका उत्प्रवास हुआ और भारत के अंदर जो लोग आकर बसे हैं उनका आप्रवास हुआ। अब हम बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा की, भारतीय प्रसार की, कैसे भारत का प्रसार दूसरे देशों तक पूरे विश्व में हुआ है। अब इसमें तीन तरंगे बताई गई हैं, वो तीन तरंगे कब कब कौन सी तरंगे हुई हैं उनके बारे में देखते हैं। उपनिवेश काल, ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से मॉरिशस, कैरेबियन द्वीपों, क्या हुआ था कि जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा हमें गुलाम बनाया गया था, ब्रिटिश काल यहाँ पर मौजूद था, तो उस समय में जो लोगों को उत्तर प्रदेश और बिहार से, यहाँ से लोगों को लिया गया और दूसरे देशों में श्रमिकों के रूप में काम करने के लिए वहां ले जाया गया। और ये जो श्रमिक थे ये रोपण कृषि में काम करने के लिए इनको भेजा गया था। रोपण कृषि ऐसी कृषि होती है जिसमें पौधों को रोपित किया जाता है, जैसे धान की फसल है, जो पौध होती हैं वो पहले ही तैयार कर दी जाती हैं और फिर उनको मिट्टी में लगाया जाता है। तो रोपण कृषि के काम के लिए इनको यहाँ से भेजा गया था। ऐसे सभी प्रवास भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना उत्प्रवास कहलाएगा और उस स्थान पर जहाँ पर वो जा रहा है वो उस स्थान के लिए आप्रवास कहलाएगा। तो इसमें क्या था कि इन करार पर मजदूरों के जीवन की जो दशाएं थी वो दासों से बेहतर नहीं थी। पहले के टाइम में आपने भी सुना होगा कि लोगों को जबरन दास बनाकर दूसरे देशों में काम करने के लिए ले जाया जाता था। तो यहाँ पर जो मजदूरों की कंडीशंस बताई गई कि जो उनकी दशाएं थी वो उन दासों से बेहतर नहीं थी, उन दासों के जैसे ही उनकी कंडीशंस वहां पर बताई गई हैं। उसके बाद है दूसरी तरंग। दूसरी तरंग में कौन कौन से लोग थे ये आजादी के बाद की है, 1970 के बाद के दशक की इसमें बताई गई है कि व्यापारी, शिल्पी, व्यापारियों और फैक्ट्री मजदूरों के रूप में आर्थिक अवसरों की तलाश में निकट पड़ती कि वो क्या था, अधिक लाभ कमाने के लिए और अपने आसपास के जो देश थे, नियर बाई जो देश थे हमारे भारत के, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई इत्यादि देशों में व्यवसाय के लिए गए। वो इन जो पड़ोसी देशों में व्यवसाय करने के लिए चले गए और जो अब भी कंटिन्यू है, यह प्रवृत्ति अब भी जारी है कि अभी कंटिन्यूटी है। और ये 1970 के दशक के बाद की बात बताएगी, जो ये दूसरी तरंग आई थी ये आजादी के बाद की और 1970 के आसपास की तरंग मानी गई है। अब जो तीसरी तरंग है प्रवासियों की, उस तीसरी तरंग में डॉक्टरों, अभियंताओं, इंजीनियरों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रबंधन परामर्शदाताओं, जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसके जो एडवाइजर होते हैं, वित्तीय विशेषज्ञ, पैसों के बारे में जो विशेषज्ञ होते हैं, लेन देन के बारे में बताने वाले, संचार माध्यम से जुड़े हुए व्यक्ति और अन्य व्यक्ति भी इसमें समाविष्ट थे, इसमें शामिल थे। और इसमें उदारीकरण के पश्चात की नीति को भी शामिल किया गया कि उदारीकरण के पश्चात 90 का जो दशक माना गया उसमें शिक्षा और ज्ञान के आधार पर भारतीय उत्प्रवासियों ने भारतीय प्रसार का विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसार में से एक बना दिया। कि क्या हुआ था कि यहाँ पर उदारीकरण की जो नीति आई थी उसके बाद 90 के दशक से शिक्षा और ज्ञान के आधार पर भारतीय उत्प्रवासियों ने, भारत से जाने वालों ने भारतीय प्रसार, भारत का जो प्रसार किया, भारत को फैलाया, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसार में से एक बना दिया और विश्व के देशों में शक्तिशाली बना दिया। किसको बना दिया? भारत को बना दिया। तो ये भारतीय प्रसार में तीन तरंगे थी। पहली तरंग उन आजादी से पहले की थी, दूसरी आजादी के बाद की और तीसरी थी
1980 के आसपास का जो आज तक की मानी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रवास पे। प्रवास के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी व्यक्ति एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाता है तो ये उसके लिए प्रवास कहलाएगा। अब प्रवास को कब से दर्ज किया गया? वास्तव में प्रवास को 1881 में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना आरंभ कर दिया गया था। जो फर्स्ट कंप्लीट जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी और इसमें इन आंकड़ों को सम्मिलित किया गया था। इन आंकड़ों का जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था। जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे, किस व्यक्ति का किस स्थान पर जन्म हुआ है, उस स्थान के आधार पर इसको दर्ज किया जाता था। उसके बाद 1961 में 1961 की जो जनगणना हुई उसमें संशोधन किया गया, बदलाव किया गया। उसमें दो घटकों को लिया गया, जन्म के स्थान के आधार को और निवास की अवधि, कि उसका जन्म किस गांव में हुआ है और वो यहाँ पर कितने टाइम पीरियड से रह रहा है, उसकी अवधि को भी इसमें सम्मिलित किया गया। उसके बाद 1971 की बात है, 1971 में भी निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि, कि उसका जो निवास का स्थान है, कहाँ पर उसका जन्म हुआ है और वहां पर जो गणना हो रही है, जनगणना हो रही है, वहां पर वो कितने टाइम पीरियड से रह रहा है, पिछले टाइम पीरियड से, उसको इसमें शामिल किया गया। तो ये था कि प्रवास के कारणों पर सूचना का जो समावेश 1981 की जनगणना में किया गया। उसके बाद 1981 में क्या हुआ कि किस रीजन से लोगों ने प्रवास किया है, उन कारणों को भी इसमें सम्मिलित करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं जनगणना के दौरान वो किस टाइप के होते हैं। क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा है, ये पूछा जाता है, क्या जो जिस व्यक्ति से भी जाए क्या वो इसी गांव में पैदा है या इसी शहर में पैदा हुआ है, तो जन्म को कि उसका जन्म कहाँ हुआ, किस गांव में, किस शहर में, किस जिले से, किस राज्य से, और यदि भारत से नहीं है, किसी दूसरे देश से है, तो उस देश की सूचना इकट्ठी की जाती है। उसके बाद क्या व्यक्ति इस मूल है, ये पैदा नहीं हुआ है, कहाँ है, निवास के स्थान के पूर्व कि वो यहाँ पर जहाँ पूर्व है उसे पहले वाले स्थान की जानकारी। प्रवास के कारण और गणना के स्थान पर निवास की अवधि भी पूछे कि किस कारण से उसने यहाँ पर प्रवास किया है और वो कितने समय से यहाँ पर रह रहा है, इन दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। जो गणना के प्रवास की गणना के जो दो आधार बताए गए हैं, एक तो जन्म का स्थान है और दूसरा है निवास का स्थान, कि वो कहाँ से, यदि उसका जन्म यहाँ नहीं हुआ है तो कहाँ से है और कितने समय से यहाँ पर रह रहा है। अब उसके आगे कि 2001 की जनगणना के अनुसार देश के 102.9 करोड़, क्योंकि जो 2001 में जनगणना हुई थी उसमें जो टोटल पॉपुलेशन आई थी भारत की वो 102.9 करोड़ थी, तो उसमें से 30.7 करोड़ लोग ऐसे थे जो प्रवास करके भारत में आए हुए थे, जो अपने जन्म के स्थान से अलग रहे थे, उनका जन्म कहीं और हुआ था और वो रह कहीं और रहे थे। अब इससे आगे हम बात करते हैं प्रवास की धाराओं पर, कि जो प्रवास की धाराएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पर जो प्रवास की धाराएं हैं वो दो प्रकार की बताई गई हैं। आंतरिक प्रवास जो देश के भीतर होता है, कि एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक गांव से दूसरे गांव में अपने ही देश के अंदर ही प्रवास करना आंतरिक प्रवास कहलाता है। और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जहाँ एक देश से बाहर किसी अन्य देशों में चले जाना अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अब जो आंतरिक प्रवास है इसको भी चार धाराओं में बांटा गया है। ये चार धाराएं यहाँ पर दी गई हैं। ग्रामीण से ग्रामीण, ये पहले वाली है, दूसरी है ग्रामीण से नगरीय, तीसरी नगरीय से ग्रामीण और चौथी है नगरीय से नगरीय। अब इन चारों को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ किसमें किसका प्रवास सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर ये दोनों, एक बात और है, यहाँ एक बात बताइए अंतरराज्यीय और दूसरी बात है अंतरराज्यीय, दोनों में डिफरेंस समझिए। अंतरराज्यीय का मतलब होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, और इसका मतलब है अंतरराज्यीय में एक ही एक स्टेट के अंदर ही किसी विलेज से सिटी के अंदर चले गई या किसी सिटी से विलेज के अंदर, कि वो यहाँ पर एक स्टेट के अंदर ही होता है। यहाँ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होता है और यहाँ एक स्टेट के अंदर ही होता है, दोनों में डिफरेंस ये है। दोनों की धाराएं वही हैं लेकिन जो
अंतर इसमें बताया गया है, अंतरराज्यीय में और अंतरराज्य में, ये दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया। पहले वाली है कि ग्रामीण से जो ग्रामीण है, अब इसमें क्या होता है कि ग्रामीण से ग्रामीण में सबसे ज्यादा प्रवास स्त्रियों का देखने को मिलता है, क्योंकि पहले जब तक उनकी शादी नहीं होती है वो अपने फादर के घर पे रहती हैं और शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के घर पे चली जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रवास देखा गया है वो यहाँ पर स्त्रियों का देखा गया है। यहाँ लेडीज होती हैं जो ग्रामीण से ग्रामीण में सबसे ज्यादा इनका प्रवास देखा गया है। जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली में ग्रामीण से नगरीय, इसमें जेंट्स का प्रवास सबसे ज्यादा देखा गया है, जिसमें लोग रोजगार की तलाश में गांवों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ जाते हैं। तो सेकंड वाले में ग्रामीण से नगरीय वाले में पुरुषों का प्रवास सबसे अधिक होता है। तीसरा है नगरीय से ग्रामीण, इसमें वो लोग आते हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपनी मूल भूमि से, जिनका लगाव होता है, भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं और अपनी पैतृक जमीन को नहीं छोड़ना चाहते, तो ऐसे लोग शहरों से गाँव की तरफ प्रवास करते हैं, अन्यथा ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। और जो चौथी स्टेज है इसमें है नगरीय से ग्रामीण, नगरीय सॉरी नगरीय से नगरीय, इसमें भी एक शहर से दूसरे शहर में जाना, ये भी रोजगार के कारण ही होता है, या मूलभूत शिक्षा सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं, इनके अभाव के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ प्रवास करते हैं। अब जो दोनों डायग्राम हमने देखे थे, इन दोनों डायग्राम में अंतरराज्य और अंतरराज्य दोनों का मतलब मैंने आपको अभी अभी बता दिया। अंतरराज्य एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में होता है, यहाँ आपस में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले गया। अंतरराज्य होता है कि एक स्टेट के अंदर ही किसी गांव से शहर में, शहर से गांव, तो ऐसे ही एक स्टेट के अंदर ही चलता है। अब इसमें क्या बोला गया कि दोनों चित्रों में ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करने वाली स्त्रियों की संख्या अधिक क्यों है, यहाँ वो क्यों वाला रीजन मैंने अभी अभी आपको बताया था इसका उत्तर, और ये सेकंड वाला है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रवास अधिक क्यों है, ये दोनों के दोनों अभी मैंने आपको बताए, इन दोनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहले वाला मैंने बता दिया कि ग्रामीण से नगरीय वाला भी रोजगार के कारण जो पुरुष होते हैं वो अधिक प्रवास करते हैं, और तीसरा नगरी से नगरी एक शहर से दूसरे रोजगार के कारण प्रवास करते हैं, शिक्षा के कारण, स्वास्थ्य के कारण, और नगरीय ग्रामीण वाला है ये बहुत कम परसेंट देखा जाता है, इसमें वो लोग होते हैं जो अपनी जमीन से भाव से जुड़े हुए होते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब इससे आगे देखिए, भारत में 2001 के दौरान पीएन के आधार पर 31.8 करोड़ लोगों ने 10 वर्षों में अपना स्थान बदल दिया है। 2001 की जो जनगणना हुई थी, टोटल जो पॉपुलेशन थी वो 102.9 करोड़ थी, उसमें से पिछले पेज पे ही पड़ा है 30.7 करोड़ थी, और उनमें से 30.7 करोड़ हो गए, उनमें 9.8 करोड़ लोग ऐसे जिन्होंने पिछले 10 अपने चेंज किया है, अपने पिछले 10 स्थानों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलाव हुआ है उनका। अब इनमें से 8.1 राज्य प्रवासी की जिन्होंने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रवास किया है, और इस तरह में स्त्री प्रवासी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या जिले से दूसरे में जो सबसे ज्यादा प्रवास होता है वो स्त्रियों का होता है और विवाह के बाद होता है। इनमें से विवाह उपरांत मतलब दोबारा से आपको मिल गया है, लेकिन फिर भी आप इसका उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। जो आसपास के ग्रामीण होते हैं, थोड़ी दूरी वाले के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासी धारों में स्त्रियों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शादी के बाद उन्हीं का माइग्रेशन होता है और वो अपने हस्बैंड के घर जाती हैं। इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से जॉब कारण अंतरराज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में पुरुष सर्वाधिक है। अंतरराज्य मतलब एक स्टेट के ही अंदर, किसी भी स्टेट में लगा लो, आप दिल्ली में रहते हो कि दिल्ली में आप एक
सिटी से दूसरी सिटी में, कि एक एरिया से दूसरे एरिया में चले गए, यहाँ पर आपने एरिया चेंज किया ना कि स्टेट चेंज किया, अंतर राज्य मतलब कि स्टेट के अंदर ही और शहर से दूसरे शहर में या फिर एक गांव से नगर की तरफ जो पुरुषों का पलायन होता है वो किस वजह से होता है, काम के कारण, आर्थिक कारणों के कारण होता है। उसके बाद उसके बाद इससे आगे आगे बात बात करते करते हैं हैं कि कि आंतरिक आंतरिक प्रवास प्रवास तीन तीन धाराओं धाराओं के के अतिरिक्त अतिरिक्त भारत भारत में में पड़ोसी पड़ोसी देशों देशों से से और उन देशों की ओर भारत से उत्प्रवास भी हुआ है, कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं भारत के वहां से आप्रवास मतलब वहां की संख्या में लोग यहाँ पर आए भी हैं, और उन देशों की ओर भारत से उत्प्रवास की भारत से भी उन देश आना उत्प्रवास मतलब जाना ये हुआ। उसके बाद भारत की जनगणना में अंकित किया कि भारत में 50 लाख व्यक्तियों ने प्रवास किया है, कि 2001 की जो जनगणना थी उसमें ये बताया गया कि 50 लाख व्यक्ति भारत में प्रवासित हो आए हैं, मतलब उनका आप्रवास हुआ है भारत के अंदर। अब जो 50 लाख लोगों का प्रवास हुआ है भारत के अंदर आप्रवास हुआ है, उसमें कहाँ से कितने लोग यहाँ पर आए हैं, अब उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि 96% पड़ोसी देशों से आए हैं। जो 96% लोग हैं वो कहाँ से आए हैं, पड़ोसी देशों से, नियर बाई वाले जो हमारे साथ बॉर्डर टच करते हुए देश हैं उनसे आए हैं। बांग्लादेश से 30 लाख लोग, पाकिस्तान से 9 लाख लोग और नेपाल से 5 लाख व्यक्ति भारत में आए हैं। और उसके बाद तिब्बत है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार से भी 1.6 लाख शरणार्थी भारत में आए हैं। अब देखते हैं कि भारतीय डायस्पोरा के लगभग जो भारत का प्रसार हुआ था, जो भारतीय प्रसार के हमने तीन तरंगे देखी थी, उसके अनुसार कि भारत में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 110 देशों में फैले हुए हैं, कि भारत से भी 110 देशों में लोग फैले हुए हैं, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों में फैले हुए हैं। किसके लोग, भारत के लोग फैले हुए हैं। तो यहाँ पर ये हमने चारों धाराएं कंप्लीट कर ली हैं। मेन 2 धाराएं हैं, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास को 4 धाराओं में बांटा गया है, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण। इन चारों धाराओं में क्या हुआ है, जो ग्रामीण से ग्रामीण वाली है उसमें स्त्रियों का प्रवास सबसे अधिक होता है, वो शादी के बाद होता है विवाह के कारण। और दूसरी है ग्रामीण से नगरीय, जिसमें पुरुषों का प्रवास अधिक माना गया है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की तलाश में आर्थिक कारणों के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। और जो तीसरे वाला है नगरीय से नगरीय, इसमें भी कौन है, आर्थिक कारणों के कारण पुरुष ही प्रवास करते हैं रोजगार के कारण। और जो चौथा है नगरीय से ग्रामीण, ये वो लोग हैं जो अपने जन्म स्थान से काफी अटैच होते हैं और रिटायरमेंट के बाद ये सोचते हैं कि वो अपनी जन्मभूमि में ही वहीं पर है अपना समय बिताएं। चलो अब इससे आगे हम देखते हैं कि प्रवास के कारण जो स्थानिक भिन्नता है, कि एक स्थान पर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है और दूसरे स्थान पर पॉपुलेशन कम हो जाती है। बेसिकली ये तो अंडरस्टूड बात है कि एक स्थान से जो पॉपुलेशन जाएगी वहाँ की तो कम हो जाएगी, और जहाँ पर जाकर बसेगी वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो स्थानिक भिन्नताओं को देखते हैं।